हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो आज एक्सरसाइज है वो 2.4 फाइंड डिवाइड एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज, यानी कि अब आपने ना इनको जो डेरिवेशन निकाली है डिवाइड एक्स निकालना है वो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की मदद से निकालना है। इसका हम उस प्रॉपर 2.3 वाले मेथड से निकाल लेंगे। यहां पर उसने एक चीज देखिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी इसका मतलब होता है वैल्यू सपोर्ट करके। तो उसमें क्या करना है कि जो आपके पास पावर के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, ये आपने किसी भी वेरिएबल की इक्वल पुट कर लेनी है। लेट्स से हम इसको पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू, सॉरी इसको हम इसके अंदर वैल्यूज आ रही है इसको हम पुट कर देते हैं u के। इसको आप एक y और एक x के अलावा जिसके मर्जी इक्वल पुट कर लें, जो मर्जी ये नाम दे दें, b c जो भी है इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपने इस तरह करना है, अगर यहां पे u आएगा तो अगर u की वैल्यूज ये इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये दूसरी एक्सप्रेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू अंडर रूट। अब आपने इस तरह करना है, इसका लेदर डेरिवेटिव लेना है, इधर इसका लेदर लेना है। अब इसका लेने का कैसे होगा, अभी आपके पास जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है वो x की फॉर्म में आई है, तो आपने डेरिवेशन x के लिहाज से लेनी है। कैसे, इधर आपने लिखना है du ओवर dx इज इक्वल टू, अब इस पे आपके पास लग रहा है क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल मैंने आपको समझाया था कि 1 + x का स्क्वायर * ये 1 + x पहले आ जाएगा ओवर नीचे ऊपर वाले का डेरिवेशन, मान की जीरो होती है माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगी, मिड में माइनस ऊपर वन माइनस एक्स पहले और नीचे वन का जीरो एक्स की वन, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कितना सर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आपने इसकी डेरिवेशन निकालनी है, नाउ y is equal to under root u। अब आपके सामने जो है ना जिसकी डेरिवेशन निकाली है वो u की फॉर्म में है, तो अब आपने डेरिवेशन u की फॉर्म में निकालनी है। इधर आपने लिखने dy over du आएगा और अंडर रूट की मैंने आपको बताई हुई है 1 over 2 अंडर रूट वैल्यू होती है, ठीक है, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू तो इसकी 1 over 2 अंडर रूट। अच्छा, अब 1 over अंडर रूट 2 u आ गया, तो अब आपने खाली क्या करना है, यहां पर u के एंड पे जाकर वैल्यूज पुट कर देनी है। u की वैल्यू हमारे पास हम किसकी इक्वल पुट की थी 1 माइनस x ओवर अंडर रूट सॉरी 1 ओवर 2 ये तो इस बराबर अंडर रूट 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x। अब हम ओवर नीचे ओवर आए तो नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई को उलट जाती है, तो ये हमारे पास dy ओवर du जो है ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसके बाद आपने चैन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि हमें फाइंड करना है dy x, तो हम लिखेंगे नाउ चैन रूल, नाउ बाय चैन रूल। चैन रूल ये होता है भाई dy dx फाइंड करना है, तो इस तरह करें कि इधर देखें जो पहली वैल्यू हमारे पास आई है उसमें dx नीचे है, तो इस तरह वैसे देखें du ओवर dx और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है dy ओवर du। अब देखें इसको अगर आप कैंसिल कर दें du du सर वो चीज बन जाएगी dy, अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस टू ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट वन प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब मैंने आपको बताया देखिए इसकी अंडर रूट के अंदर जो होती है वो हाफ पावर होती है, तो आपने करना क्या है इसकी देखिए हाफ पावर तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो 2 में से हाफ जाए तो 1 एंड हाफ रह जाता है, यानी कि 2 पावर है 2 में से हाफ माइनस करें ना तो ये रहती है प्लस का सॉरी अंडर रूट 3 ओवर 2 रह जाएगा, इसको 1 एंड हाफ बोलते हैं। इसकी एक जब पावर यहाँ से कैंसिल होगी तो इसको आप डायरेक्ट 3 ओवर 2 ले लें, ये तो इसको माइनस कर दें, यानी कि 2 पावर थी उसमें से हाफ पावर कैंसिल होगी तो ये आ गया 2 के साथ कैंसिल, ऊपर आ गया आपके पास माइनस वन ओवर, अभी हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू x अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की मदद से आप हम क्या करेंगे, जो पावर के अंदर सिर्फ जो वैल्यू होगी उसको आप u की इक्वल लिखोगे। लेट u is equal to a plus x over a minus x। अब आप इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
अगर u की वैल्यू पुट कर दें तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू x अंडर रूट u। अब आपने इस तरह करना है, इसकी अलग डेरिवेशन लेनी है, इसकी अलग लेनी है। कैसे? अब इसमें तो क्या होगा, सामने आपके पास वेरिएबल x आ रहा है तो x के लिहाज से डेरिवेशन लेनी है डी यू ओवर डी एक्स। इस पर लगेगा कोशेंट रूल, a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स पहले आ जाएगा, ऊपर वाले की डेरिवेशन लेंगे, a कांस्टेंट है 0 और x की 1, मिड में माइनस, अब ऊपर वाली पहले आ जाएगी a प्लस एक्स और नीचे वाला a का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1। तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कर दे फिर अंदर साइन ही चेंज होगा, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू। अब आपने इस तरह करना है कि इसकी वैल्यूज निकालनी है, y इज इक्वल टू x अंडर रूट u। अब इसमें देख सकते हैं कि यहां पर आप x आ रहा है वैल्यूज के अंदर, तो इसमें भी आपने x के लिहाज से डेरिवेशन लेनी होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं dy ओवर dx। इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x के हिसाब से ले रहे हैं, तो x तो पावर की होती है आपको पता है अंडर रूट की होती है 2 ओवर अंडर रूट u, ये तो पावर की होगी और u की तो हम ले नहीं रहे, हम तो x के लिहाज से डेरिवेशन ले रहे हैं, तो इसी तरह लिख देंगे डी यू ओवर डी एक्स, ये u की डेरिवेशन है, मिड में आ जाएगा प्लस, अब ये अंडर रूट u पहले लिखेंगे और x की आपको पता है डेरिवेशन होती है पावर। अब आपने इस तरह करना है कि इसको एक प्रॉपर मेथड से एक दफा लिख लेना, x ओवर 2 अंडर रूट u डी यू ओवर डी एक्स प्लस अंडर रूट u। अब आपने अब इसकी जगह पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, इधर है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, जो चीज आपने फाइंड करनी थी इज इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट यू, एक्स ओवर टू अंडर रूट यू। तो यहां पर यू की वैल्यू हमारे पास दी गई है ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, आगे डी यू और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है टू ए ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू ए ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर, मिड में है प्लस और अंडर रूट यू, तो यह आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब इसको ये मल्टीप्लाई करके टू टू के साथ कैंसिल कर दें, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स इसके ऊपर लिख लें और ये उलट जाएगा उधर ऊपर जाकर, ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई ए ओवर ए माइनस एक्स होल पावर टू प्लस इसका अंडर रूट अलग लिख लें ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये इसकी एक पावर काट देगा, टू में से हाफ पावर कैंसिल होगी तो ये थ्री ओवर टू यानी कि वन एंड हाफ रह जाएगा, ऊपर हमारे पास बच जाएगा ए एक्स और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स रेज टू पावर थ्री ओवर टू प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। ये क्वेश्चन हो गो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 15 जो कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सॉल्व कराया था, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अब वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें सुटेबल सिचुएशन यानी कि पुटिंग वाले वैल्यूज पुट करके ये सॉल्व करना है। अब इसका अगर आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए प्लस एक्स, इसकी जो एलसीएम लेते हैं जो बड़ी पावर होती है वो लेते हैं ए माइनस एक्स रेज टू पावर थ्री ओवर टू, इसके साथ कट जाएगा इस सेम कट जाएगा ऊपर आ जाएगा ए एक्स प्लस। अब इसमें देखिए इसकी हाफ पावर तो कट जाएगी लेकिन एक पूरी पावर आ जाएगी एक माइनस एक्स, तो ये दोनों ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका शेयर कट जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अब ये लिखेंगे ए एक्स प्लस, ये फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स रेज टू पावर थ्री ओवर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है इसका मेथड पहले दोनों पार्ट की तरह है, इसमें कहेंगे कि आप जो वैल्यू पावर के अंदर लिखी हुई है इसको आपने यू की इक्वल पुट कर देना है, यू इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो हमारे पास यहां पर अगर यू की वैल्यू पुट कर दें तो y आ जाएगा u रेज टू पावर 6। अब इसकी डेरिवेशन आप ले लें तो यह आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, इसमें तो सिंपल आएगा पावर शुरू में आ जाएगी तो ये बन जाएगा 6x माइनस 2 और 7 का 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, और इसकी डेरिवेशन सामने लेनी है, इसका u के हिसाब से लेनी है तो dy ओवर du, तो ये आ जाएगा 6u की पावर 5। फिर आपने क्या करना है u की वैल्यू पुट कर देनी है, u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है
6 into 3x square minus 2x plus 7 power 5. अब आप क्या करेंगे? चैन रूल जैसे कि मैंने आपको बताया, ये होता है dy over dx is equal to, ये वैल्यू कौन सी थी, du over dx multiply dy over dx at du. du du इसी का चलो ये वो चीज बन जाएगी. इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 6x minus 2 into, और ये आई थी 6 into 3x square minus 2x plus 7 की पावर 5. वो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाले तो रह जाएगा 3x minus 1 into 6 into 3x square minus 2x plus 7 की पावर 5. अब ये 6 2s are 12 कर दें, 3x minus 1 into 3x square minus 2x plus 7. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप देखें ना, ये है फाइंड डी वाई और डी एक्स. इसमें आपने सिर्फ डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है. अब इसमें देखें कि इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट है, ये तीनों सेम है, तो इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट करा रहा हूं. इसके अंदर एक और चीज आ जाएगी, अब दूसरा जिस तरह ये x और y, अब देखें ना, जो आपने डेरिवेटिव लेना है डी वाई और डी एक्स, तो इसका मतलब आपने x के लिहाज से डेरिवेशन लेनी है, लेकिन जहां पर भी y आएगा तो y की जगह पर आपने डी वाई और डी एक्स लिख देना है. कैसे? अब इसमें लग रहा है प्रोडक्ट रूल, x L पे रहेगा और y की जगह पे हम लिखेंगे dy over dx प्लस, अब y पहले लिखेंगे और x की डेरिवेशन आपको पता है 1 होती है, हम x के लिहाज से डेरिवेशन ले रहे हैं, प्लस y स्क्वायर का, पहले तो इसका पावर का लगेगा, जब पावर लगेगी 2y, ये तो पावर की हो गई. अब y की जो डेरिवेशन होगी हमने dy over dx ही लिख देनी है, और 2 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेशन होती है 0. अब इस तरह करें कि जो dy और dx वाली वैल्यूज है ना, इनको तो इकट्ठा करके लिख लें, जो विदाउट dy और dx है ना, इसको उधर ले जाएं. कैसे? ये x dy और dx प्लस 2y dy और dx इज इक्वल टू, ये प्लस का y था, y बंदर y इधर आकर माइनस का y. अब इसमें आप देख सकते हैं dy और dx कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y is equal to minus y. अब चूंकि हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, dy over dx, तो ये चीज जो मल्टीप्लाई है, इधर आप dy dx इधर रखें और ये इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन भी यही है, dy over dx is equal to minus y over x plus 2, x plus 2y. अब आते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ. जो तीसरा पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, अब देख सकते हैं. सबसे पहले हमने इसकी x के लिहाज से, क्योंकि हमने d और dx फाइंड करना है, ठीक है, तो अब आप सबसे पहले 4x स्क्वायर, आपको पता है पावर शुरू में 4 2 जार 8x प्लस, अब ये 2h है ना, ये है कोएफिशिएंट, ये एज इट इज रहेगा. अब आपके पास जो अंदर वैल्यूज आएगी ना, वो है xy, xy पे आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है. कैसे? x एज इट इज और y की डेरिवेशन होती है dy ओवर dx प्लस, अब y पहले लिखेंगे और x की डेरिवेशन 1 होती है प्लस, अब b, अब ये तो b तो कोएफिशिएंट था, y स्क्वायर की मैंने क्या बताया पावर की, तो होगी हमारे पास 2y, और y की जो डेरिवेशन होती है वो आपको पता है dy ओवर dx प्लस, अब 2g कोएफिशिएंट है और x की डेरिवेशन होती है 1 प्लस, 2f कोएफिशिएंट है और y की डेरिवेशन है dy ओवर dx प्लस, c कांस्टेंट के लिए है तो ये आ जाएगा 0, कांस्टेंट की डेरिवेशन होती है 0. अब हम इसको एक दफा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद dy और dx वाली वैल्यूज इकट्ठी करके लिखते हैं, ये आ जाएगा 8x, अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2hx dy ओवर dx प्लस 2hy प्लस 2by dy ओवर dx प्लस 2gx प्लस 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0. अब जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था, अब इधर आप इस तरह करना है, dy ओवर dx वाली इधर रख लें और जो विदाउट dy dx है उसको उधर ले जाएं. कैसे? ये हमारे पास जो है ना 2hx dy ओवर dx प्लस 2by dy ओवर dx
प्लस टू एफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब विदाउट जो है डी वाई डी एक्स उसको उधर ले जाए, प्लस का एट एक्स इधर आकर माइनस का एट एक्स हो जाएगा, प्लस का टू एच वाई इधर आकर माइनस का टू एच वाई, प्लस का टू जी एक्स इधर आकर माइनस का टू जी एक्स। अब आप देख सकते हैं इन तमाम के अंदर ना डी वाई और डी एक्स कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से डी वाई और डी एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एच एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू एफ। अब आप इसमें से देख सकते हैं इन तमाम में से टू का टेबल कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन निकालें, यानी कि माइनस टू कॉमन निकालेंगे, अंदर साइन भी चेंज होंगे, टू फोर जार एच एक्स प्लस टू कॉमन एच वाई प्लस जी एक्स, सॉरी यहां पर एक्स की डेरिवेशन वन थी तो ये सिंपल आ जाएगा जी, यहां पर एक्स की डेरिवेशन वन होती है यहां पर, तो टू वन जार टू तो ये सिंपल आ जाएगा जी। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड कर, इसमें दो काम करने, एक तो आप लिखेंगे ना डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो लिखा हुआ है ना माइनस टू इंटू फोर एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, इसमें आप एक काम करेंगे टू भी डायरेक्ट कॉमन निकाल कर उधर डिवाइड कर दें, कैसे टू जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, टू टू के साथ कैंसिल आ जाएंगे, जो बाकी है वो आपका आंसर है, यानी कि डी वाई और डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू फोर एक्स प्लस एच वाई माइनस फोर इंटू फोर एक्स प्लस एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका आ गया हमारे पास पार्ट नंबर फाइव, पार्ट नंबर फाइव और सिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, इसलिए मैं दोनों सॉल्व करा रहा हूं, पहले हम फाइव करते हैं फिर उसके बाद सिक्स की तरफ जाते हैं। अब इसमें देखिए ना इधर भी प्रोडक्ट लग रहा है और इधर भी, कैसे इसमें x एज इट इज और अंडर रूट y की मैंने आपको बताया अंडर रूट की डेरिवेशन जो होती है ये 1 ओवर 2 अंडर रूट ही होती है, अंदर इसी तरह y लिखेंगे 1 प्लस y। अब ये तो हमने ली है अंडर रूट की, अब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है y 1 की तो 0 होगी, y की डेरिवेशन dy ओवर dx, अब प्लस अब अंडर रूट की वैल्यू पहले लिख लें 1 प्लस y और x की डेरिवेशन होती है 1। अब हम आते हैं इस नेक्स्ट प्लस, अब y एज इट इज लिखें और इसकी डेरिवेशन निकालें, अंडर रूट की होती है 1 ओवर अंडर रूट 1 सॉरी 2 अंडर रूट 1 प्लस x, अब x की डेरिवेशन 1 लिखने की जरूरत ही कोई नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1 वही वैल्यू आती है, अब मिड में प्लस अब अंडर रूट 1 प्लस x और y जो होगा अब आपने इस तरह लिख देना dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब एकदम इसको प्रॉपर वे से देख लें, x ओवर 2 अंडर रूट y प्लस 1 लिख लें तरतीब से dy ओवर dx प्लस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यही आएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा y ओवर 2 इंटू अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था dy बाय dx वाले एक तरफ करें और विदाउट dy dx इसको दूसरी तरफ ले जाएं, कैसे ये आ जाएगा x ओवर 2 अंडर रूट y प्लस 1 dy ओवर dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 प्लस y और यह आ जाएगा माइनस का y ओवर 2 अंडर रूट x प्लस 1। अब आप देख सकते हैं इसमें से dy और dx कॉमन निकल रहा है, इसको कॉमन निकालें dy ओवर dx, तो हमारे पास जो अंदर सॉल्यूशन बनेगा वो आएगा x ओवर 2 अंडर रूट y प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू, इसका आप इस तरह करते हैं के एलसीएम ले लेते हैं, इसका जब आप एलसीएम लेंगे या पहले इस तरह करेंगे इसका माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर आ जाएगा आपके पास
अंडर रूट वाई प्लस वन या वाई प्लस वन तरतीब से लिख लें, माइनस वाई ओवर अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब इसका भी एलसीएम ले लें और उसका भी एलसीएम, इसका बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो गया प्लस। अब ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टू अंडर रूट वाई प्लस वन, जिसका क्या आंसर होगा एक्स प्लस। अब इस तरह जब मल्टीप्लाई होगा टू बाय रहेगा, दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो इसको अंदर ही लिखें x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस, इसका भी जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टू इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, और ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा वन। अब हम देख सकते हैं ये वाली जो डिवाइड उधर आकर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, यानी कि ये वाली उधर आकर उलट जाएगी, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम वो वैल्यू लिख लेते हैं, ये भी लिख सकते हैं माइनस टू अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन प्लस वाई ओवर टू अंडर रूट एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई। अब इसको उल्टा आके लेते हैं, ये ऊपर आ जाएगी यानी कि यह आ जाएगा टू इंटू अंडर रूट वाई प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन। अब देख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई ये काट जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा इसके साथ अलग। अब आप इसमें से देख सकते हैं ये माइनस ऐसी तरह कॉमन रहेगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टू जो वाई प्लस वन है जब स्क्वायर बन जाएगा इसके, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा टू वाई प्लस वन, लेकिन अंडर रूट की वैल्यू अंदर ही रहेगी, सॉरी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस, जब ये वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा y into under root y plus 1 over, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x under root x plus 1 plus, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 तो ये x plus 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट y इस तरह अंदर रहेगा। चलें जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो पार्ट नंबर 6 है, अब इस तरह करेंगे इसको, इधर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है इधर भी, इसमें जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई एडिटिव रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होती है 2x, 1 की जीरो लिखने की जरूरत ही को नहीं है, मिड में आ जाएगा प्लस। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखें और वाई की डेरिवेशन होती है डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स पहले इधर अंडर रूट की डेरिवेशन मैं आपको बताई हुई है 1 ओवर 2 अंडर रूट होती है x स्क्वायर प्लस 4। अब ये इसकी जो अंदर वैल्यू है उसकी डेरिवेशन होती है 2x, अब प्लस अब ये सेकंड टर्म पहले लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 और फर्स्ट टर्म x की डेरिवेशन होती है 1। अब एक दफा इसको तरतीब से लिखते हैं, ये आ जाएगा 2xy प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू x, ये देखें x 2 2 के साथ कैंसिल कर दें और ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें एक तो काम ये करेंगे, ये 2xy प्लस का इसको उधर ले जाएं, उधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे वैल्यूज बच जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये प्लस का 2xy इधर आकर हो जाएगा माइनस का 2xy। अब आप इसका इस तरह करें कि एलसीएम लें, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके साथ कैंसिल ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट काट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट इस तरह लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। इधर ये था x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dy ओवर dx। अब लास्ट स्टेप में इस तरह करें, अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है
लास्ट वाला इसमें क्या करेंगे आप देखिए, ऊपर वाले तो आपस में साल दो हो रही हो रही है, इधर मल्टीप्लाई करा कर डिवाइड कर दें, कैसे ये तो बन जाएगा 2x² प्लस 4 माइनस 2xy अंडर रूट x² प्लस 4 और ये इधर मल्टीप्लाई करा कर डिवाइड हो जाएगी x² माइनस 1 x² प्लस 4 ये आ जाएगा dy और dx। तो हमारा टॉपिक आज यहाँ तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।